यही तश्वीश शबो रोज है बंगाले में, लखनऊ फिर भी दिखेगा मुकद्दर मेरा। तो ये शेर जो है सारे ऐसे भाइयों के लिए डेडिकेटेड है जो हैं तो लखनऊ से मगर अभी लखनऊ से जुदा हैं, और इस खूबसूरत मौसम में हल्के कोहरे में हम आपको आगे का हज़रतगंज चौराहे तक ले चलेंगे और लखनऊ का जो हज़रतगंज का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाते चलेंगे, और बात होती चलेगी उन भाइयों से जो लखनऊ के तो हैं मगर लखनऊ से जुदा हैं। ये स्पेशली वीडियो हम उनको डेडिकेट करना चाहते हैं भाई, और ये जो मोहब्बत है ये अपनी मरीन ड्राइव के ऊपर, ये भाई एक तरफा नहीं है। सुबह सुबह उठ के भाई अभी 9 भी नहीं बजा और आपका भाई हज़रतगंज सिर्फ इसलिए आया है कि अपने भाइयों को लखनऊ का खूबसूरत एक समा दिखाया जाए। और अभी हम आपको एक और शेर आ रहा है मेरे दिमाग में जो है लखनऊ से जुदाई के ऊपर, वो भी बताएंगे। और जब आदमी कहता है, आपने इस टाइटल पढ़ा होगा कि मैं लखनऊ से हूँ, सॉरी हम लखनऊ से हैं, ये तो गलती हमसे हो गई सुबह सुबह कि हम लखनऊ से हैं। जब कोई उन्हें पूछता होगा कि जब कहीं और कॉलेज में होते हैं कि भाई तुम कहाँ से हो, तो हम लखनऊ से हैं, तो वो ये नहीं बता रहा है कि हमारा शहर लखनऊ है, वो ये बता रहा है कि हमारे अंदर एक लखनऊ रहता है। क्योंकि जो आदमी लखनऊ का होता है तो वो कहीं भी अगर चला जाए, भाई आज बहुत हम एक डीप बात बोलना चाह रहे हैं, कोई बुरा ना माने मेरी बात का जो भाई बाहर होंगे जो है, कि जब लखनऊ से आदमी चला जाता है तो बातें यही होती रहती हैं कि यार वो जुलाई में लखनऊ जाना था। जब भी कोई पूछता और भाई क्या हाल चाल, भाई फरवरी में आएंगे, फरवरी में लखनऊ आएंगे, तो चला तो वो वहाँ गया है कॉलेज के लिए, कमाने के लिए या जैसे, मगर दिमाग में अभी भी लखनऊ चल रहा है। तो हुई ना बात कि हम जो है लखनऊ हमारे अंदर है जो है उनके। अब इसी तरीके से जो भाई हमारे लखनऊ के बाहर होंगे लखनऊ से, तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि अगर ये मुमकिन हो किसी तरह वापस आना तो भाई आ जाओ, क्योंकि ये ना हो जाए कि कहीं आपके बच्चे जब, क्योंकि ये जो दूसरा शेर हम सुनाने जा रहे हैं ये इसी टॉपिक के ऊपर है, कि ऐसा ना हो जाए कि आप काफ़ी आपकी एज हो जाए और बाद में जब ये टाइम आए, एक सेकेंड टर्न ले लेते हैं भाई, लेफ्ट में जो है गाड़ी थोड़ा सा आगे बढ़ा के खड़ा करा करिए, ताकि जो आदमी लेफ्ट में जाने वाला है जिसके लिए सिग्नल नहीं है तो कम से कम वो निकल पाए भाई, कोई बुरा ना माने। देखिए देखिए यहाँ रिक्शे खड़े हैं, तो भाई ये थोड़ा सा एक होता है। तो अब आते हैं वीडियो के ऊपर, तो ये ना हो जाए कि आपकी एज हो जाए, आप बड़े हो जाएँ, आपके बच्चे हो जाएँ और बाद में जब आप थोड़ा बूढ़े हो जाएं और आप कहें कि बेटा एक काम करें, क्योंकि आपके बच्चे तो जो है लखनऊ से बाहर ही पले बड़े होंगे, तो बेटा हमें ना लखनऊ जाने का बड़ा दिल चाह रहा है, तो वो कहें कि पापा जी आप एक बात बताओ, यहाँ पे सब कुछ तो है आपके लिए, इतने बड़ा हमारा फ्लैट है, इतना बड़ा हमारा घर है, क्या करेंगे आप लखनऊ जाके, सब कुछ तो है। तो एक दिल में एक कसक सी रह जाए कि बेटा मैं क्या बताऊँ क्या लखनऊ में, ये तो हमें भी नहीं पता बट लखनऊ लखनऊ है। तो जाते जाते एक शेर कहते जाएंगे कि जब जोश मलियाबादी, जो लखनऊ के मलियाबाद के बहुत बड़े शायर थे जो है, और आज़ादी में भी उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर इंकलाबी शायरियां करी हैं, तो जब वो आज़ादी के बाद लखनऊ से जुदा हो गए, तो वो जब बिल्कुल डेथ बेड के ऊपर थे अपने, और जब उनकी बिल्कुल होता नहीं है कि आदमी के जब बहुत बीमार होता है, बहुत बूढ़ा हो जाता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, एक मदहोशी सी दिमाग में आ जाती, तो जब ऐसे टाइम पे उन्होंने एक शेर कहा था जो मेरे दिल को बहुत छूता है, कि बस यही गम है गालिब कि देखते हैं हर पल राह लखनऊ की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।